तो गाइस, हमने लास्ट वीडियो में देख लिया कि कैसे हम सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर रहे हैं। हर एक JDK हो गया, अपना कोडलिंग का कंपाइलर हो गया, और विजुअल स्टूडियो कोड, इन तीनों का अपन ने बराबर से इंस्टॉलेशन और सेटअप देख लिया। ठीक है, तो वो क्यों किया था पहले हमने, क्योंकि आगे का सीखने के लिए, फ्लो कंट्रोल और इसके आगे का सीखने के लिए हमें एक कोई स्मार्ट एडिटर चाहिए था। ठीक है, तो अपन वही पुराना कॉटलिन प्लेग्राउंड से नहीं कर सकते थे। ठीक है, तो उतना स्मार्ट नहीं है, उतनी चीज़ें हैंडल ही नहीं कर सकता है। तो हम सपोर्ट लेंगे विजुअल स्टूडियो कोड का यहाँ पे। तो फ्लो कंट्रोल, फ्लो कंट्रोल क्या होगा? फ्लो कंट्रोल कुछ नहीं, मतलब बस सिंपल सा लूप्स जितने भी होते हैं। ठीक है, तो जितने भी लूप्स होंगे, तो इसमें टोटल 4 लूप्स हैं और 2 स्टेटमेंट्स हैं। ठीक है, तो कौन से 4 लूप्स से देख लेते हैं सबसे पहले। तो पहला होगा इफ, ठीक है, और दूसरा होगा वैन, देन थर्ड होगा व्हाइल, और आखिरी होगा फोर्थ। ठीक है, तो मैं इफ लूप का सिंटैक्स बता देता हूँ कैसा होगा। तो इफ लिखने के लिए, इफ लूप लिखने के लिए हमें चाहिए होगा इफ, देन एक कोई कंडीशन, और उसके पास ये जो ब्लॉक स्टार्ट होके एंड हो जाएगा। इफ के साथ हमेशा एल्स होना चाहिए गाइस। ठीक है, तो एल्स के लिए कंडीशन की ज़रूरत नहीं है, एल्स सीधा ब्लॉक स्टार्ट करता है और ब्लॉक एंड कर देता है। ठीक है, यहाँ से ये बस जितने भी लाइंस ऑफ कोड लिखने हैं उतने लिख सकते। ठीक है, यहाँ तक, और सिमिलरली एल्स के साथ। ठीक है, बस इस ब्रैकेट में हमें चाहिए कंडीशन। कंडीशन मतलब क्या? ठीक है, तो इफ लूप को अपन समझते हैं कैसे। इफ इफ को अगर हिंदी में कन्वर्ट करें या फिर अपने ही फैमिलियर लैंग्वेज में कन्वर्ट करें तो देखो कैसा होगा। हिंदी में देखते हैं, इफ को बोलते हैं हिंदी में अगर, है ना, अगर, फिर कंडीशन आया, अगर ऐसा हुआ। ठीक है, या फिर अगर ये सही है, या फिर अगर ये हो रहा है, तो हम ये सारी चीज़ें करेंगे जो भी इसमें लिखे हैं। ठीक है, अगर इस कंडीशन को फुलफिल नहीं हो रहा है, ठीक है, तो अगर ऐसा नहीं हो रहा है, मतलब एल्स एल्स इसके अलावा, ठीक है, अगर ये फेल है ऊपर का कंडीशन इफ का, तो हम ये सारी कोडिंग फॉलो करेंगे। ठीक है, तो समझ गए, इफ एल्स को अपन हिंदी में कन्वर्ट कर देंगे। अगर ऐसा है तो ठीक है, हम ये करेंगे, अगर ऐसा नहीं है तो ठीक है, हम ये वाला करेंगे। ठीक है, तो अपन इसको ना एग्जीक्यूट करके देखते हैं, एक एक लूप ध्यान अच्छे से देखते हैं। तो एग्जीक्यूट करने के लिए अपन यूज़ करेंगे विजुअल स्टूडियो कोड। ठीक है, तो इस विजुअल स्टूडियो कोड में हमने एक बेसिक सा एक फाइल बनाई थी, कॉटलिन डॉट के टी, कोई भी नाम दे दो, बस एक्सटेंशन अपना डॉट के टी होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे मैं पहले आपको, सबसे पहले कोडिंग स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ बताना चाहता हूँ। फाइल में जाना है, प्रेफरेंस में जाना है, सेटिंग में जाना है। ठीक है, सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पे सर्च बार में आपको सर्च करना है कोड रनर। ठीक है, तो कोड रनर में जाने के बाद आपको ऊपर से सर्च करना होगा कोड रनर रन इन टर्मिनल। ठीक है, ये देखो रन इन टर्मिनल। ठीक है, ये सर्च करने के बाद आपको यहाँ पे टिक मारना है। ठीक है, ये टिक क्यों ज़रूरी है? ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब हम कोड को रन करेंगे तो हमारा कोड टर्मिनल में एग्जीक्यूट होना चाहिए, ना कि आउटपुट में। ठीक है, अभी डिफरेंस क्या है टर्मिनल और आउटपुट? ओके, तो आउटपुट ना सिर्फ रीड ओनली है, मतलब यहाँ पे सिर्फ आप आउटपुट देख सकते हो, यहाँ पे आप कुछ एंटर कर ही नहीं सकते। पर हमारा कोड कभी अगर उसने इनपुट मांगा, ठीक है, आज अपन वो भी देख लेंगे कि कोड कैसे इनपुट मांगता है। अगर इनपुट मांगा तो अपन इनपुट कहाँ से देंगे? तो आउटपुट में दे ही नहीं सकते, तो इसलिए हमने वहाँ पे टिक किए ताकि हमारा कोड टर्मिनल में रन हो और यहाँ पे हम जो चाहे वो इनपुट दे सकते हैं। ठीक है, तो ये एक ज़रूरी चीज़ थी, मैं बंद कर देता हूँ। तो ये चीज़ होने के बाद हम देखते हैं इफ़ लूप। ठीक है, तो इफ़ लूप कर स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए मेन का बेस। तो फंक्शन मेन बना दिया, ब्रैकेट देना है। अभी अभी इफ लूप के लिए हमें एक वेरिएबल चाहिए होगा, चलो
वेरिएबल नंबर ले लेते हैं, उसको वैल्यू दे देंगे -10, ठीक है। आज निगेटिव में बात करेंगे। और इफ लूप हम ऐसे लगाएंगे, इफ फिर कंडीशन फिर ब्लॉक एल्स ब्लॉक, ठीक है। ये हो गया अपना सिंटैक्स। अभी यहाँ पे बीच में हमें लिखना है हमारी कंडीशन, ठीक है। तो कंडीशन में क्या करूँगा, अगर नंबर इज ग्रेटर देन 10, ठीक है, अगर ग्रेटर देन 10 है तो क्या होना चाहिए। तो मैं कर दूंगा प्रिंट ln नंबर, ओ डबल कोट में डालना है, नंबर इज ग्रेटर देन 10, ठीक है। जो भी आपको मैसेज देना है वो दे सकते हो। एल्स, एल्स क्या होगा, एल्स प्रिंट ln नंबर इज लेस देन 10, ठीक है। अभी इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। तो एग्जीक्यूट करने के लिए देखो यहाँ पे हमेशा ये देखो वाइट सर्कल दिख रहा है ना, तो इसका मीनिंग क्या है। वाइट सर्कल का मतलब है कि ये फाइल सेव ही नहीं है। अगर इसको रन भी करोगे ना तो कुछ होगा ही नहीं, क्योंकि कॉटलिन को पता ही नहीं है कि फाइल में क्या है। तो कॉटलिन को पता चलने के लिए हमें इसको सेव करना पड़ेगा। तो या तो आप कंट्रोल एस दबा दो या फिर फाइल में जाके सेव करो, एक ही बात है। तो कंट्रोल एस शॉर्टकट है। और अभी हमें रन करना है, तो रन करने के लिए दो चीज़ें हैं यहाँ पे राइट टॉप पे आपको, सॉरी तीन चीज़ें मिल गई अभी। तो राइट टॉप में आपको एक प्ले की बटन है और एक शॉर्टकट लिखा ही है उसके नीचे कंट्रोल ऑल्ट एन, या फिर आपको यहाँ पे राइट क्लिक करके रन कोड कर दो, ठीक है। मैं अपना टर्मिनल क्लियर कर देता हूँ, एक सेकेंड। अभी देखो अभी मैं रन करता हूँ, अभी ये थोड़ा टाइम लेगा, लोड हो गया, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे आ गया नंबर इज लेस देन 10, ये अपना आ गया आउटपुट, है ना। तो नंबर क्या था, -10। उसने क्या किया, कंडीशन चेक किया, नंबर 10 से बड़ा है क्या, नहीं, -10 तो ऑब्वियसली छोटा होगा, निगेटिव है, पॉजिटिव से निगेटिव छोटा ही होता है। तो ये आ गया एल्स में इज लेस देन 10, ठीक है। अगर मैं इसको 100 कर दूँ, +100, ठीक है, तो वो ऑब्वियसली ग्रेटर देन 10 है। अभी अगर देखो इसको मैं रन करूंगा तो वो लेस देन क्यों दिखाएगा, देखो अभी उसने लेस देन दिखाना चाहिए। ये देखो लेस देन दिखाया, क्यों क्यों दिखाया, क्योंकि मैंने कोड सेव ही नहीं किया है, देखो है ना, सर्कल है, सेव ही नहीं किया। तो उसने क्या किया, पिछला वाला जो कोड था वो ही ले लिया, तो उसको पता ही नहीं कि मैंने अपडेट क्या किया। तो इसीलिए कंट्रोल एस दबाना बहुत ज़रूरी है। कंट्रोल एस दबाया और ये रन किया, ठीक है। अभी देखते हैं, देखो आउटपुट क्या आया, नंबर इज ग्रेटर देन 10 आ गया, है ना, अपडेट हो गया। मैं टर्मिनल को डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। अभी अभी देखो इफ एल्स तो हो गया, ये तो अपना हो गया ट्रेडिशनल वे, पर कॉटलिन में ऐसे यूज़ नहीं करते। कॉटलिन में क्या होता है, हर एक लूप को हम यूज़ करते हैं, स्टोर करते हैं हम एक वेरिएबल में, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इफ, इस इफ की वैल्यू कहाँ जा रही है, कहीं नहीं जा रही है ना, तो हमें इस लूप की वैल्यू को कहीं तो डालना पड़ेगा, तो एक वेरिएबल चाहिए हमें। तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे आगे वायर करके रिजल्ट, ठीक है, कोई भी वेरिएबल लो और इसको इक्वल टू लगा के पूरा इफ का जो डेटा रिजल्ट रहेगा, ठीक है, आउटपुट जो भी रहेगा इफ लूप का, ठीक है, इफ एल्स लूप का, वो रिजल्ट में स्टोर होगा। तो दिखाता हूँ कैसे। तो इस चीज़ में मुझे प्रिंट एलन की ज़रूरत नहीं है, प्रिंट एलन देने की। तो मैं ये प्रिंट एलन हटा देता हूँ दोनों इफ एल्स से, ठीक है। अभी मेरा वैल्यू है जो ये, एक पहली स्ट्रिंग ये होगी, ये मेरी वैल्यू है और ये दूसरी वैल्यू है, ठीक है। जो भी कंडीशन फुलफिल होगी उसके हिसाब से रिजल्ट में वो वैल्यू स्टोर हो जाएगी। तो मैं एक काम करता हूँ, प्रिंट एलएन करके रिजल्ट को प्रिंट करके देख ही लेते हैं कि आंसर क्या आता है, ठीक है। मैंने सेव नहीं किया, ये हो गया सेव और ये हो गया रन, तो देखते क्या आंसर आ रहा है। देखो आंसर आ गया नंबर इज ग्रेटर देन 10, है ना। तो नंबर इज ग्रेटर देन 10, नंबर क्या था, 100, 100 इज ग्रेटर देन 10, हाँ आ गया। तो देखो प्रिंट एलन, बिना प्रिंट एलन देते हुए मैंने एक मैसेज दे दिया जो कि रिजल्ट में स्टोर्ड है और रिजल्ट को प्रिंट कर दिया, है ना। तो इस ये वाली मेथड जो है वो हम कॉटलिन में यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये हमेशा याद रखें। अभी एक और चीज़, कोई भी लूप रहे, अगर उस लूप में सिर्फ एक ही स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट यानी ये पूरी लाइन, ठीक है, हमने देखे थे स्टेटमेंट एक्सप्रेशंस ब्लॉक। तो कोई भी ब्लॉक में, पूरे ब्लॉक में, ये देखो ये रहा ब्लॉक, ठीक है। अगर पूरे ब्लॉक में सिर्फ एक ही स्टेटमेंट है तो ये देने की ज़रूरत नहीं है ब्रैकेट्स, ठीक है। आप इसको डिलीट कर सकते, रिमूव कर दो, इसकी ज़रूरत नहीं है।
ठीक है, क्यों? क्योंकि कॉटलिन को पता है कि अगर कोई लूप चल रहा है, इफ कीवर्ड उसको मिल गया है कोड में, तो उसको पता है कि अगली लाइन जो होगी वो उसके ही ब्लॉक में है ना। तो एक लाइन है तो बस ठीक है, अगर मल्टीपल लाइन है तो हमें ब्लॉक देना पड़ेगा। तो अपन सिंगल लाइन का देखते हैं रन करके कि सही से आ रहा है कि नहीं, ग्रेटर देन 10 चाहिए हमें, वो आ रहा है कि नहीं। हाँ आ गया, देखो ग्रेटर देन 10 आ गया। पर अगर मैं यहीं पे एक और मैसेज लिखता हूँ, हेलो जेरी, ठीक है, तो अभी क्या होगा? सेव कर दिया और रन कर दिया, मैंने तो ब्रैकेट भी नहीं दिए, तो क्या वो लेगा हेलो जेरी? तो देखो एरर दे दिया उसने यहाँ से, ठीक है, ये तो पिछला था मैसेज, नंबर इज ग्रेटर देन 10, ये देखो एरर, एक्सपेक्टिंग एन एलिमेंट एल्स, है ना, इफ मस्ट हैव बोथ, तो इसकी वजह से एरर आ गया। इसकी वजह से क्या हुआ कि इफ ना एक्सपेक्ट कर रहा था इस लाइन के बाद, इस लाइन के बाद उसको एल्स चाहिए था, वो एक्सपेक्ट कर रहा था कि यहाँ पे एल्स हो, पर नहीं, यहाँ पे क्या एक मैसेज था और एल्स तो अगले लाइन में था। तो हमें अगर दोनों प्रिंट कराने हैं तो यहाँ पे हमें कर्ली ब्रैकेट्स देने पड़ेंगे। तो या ये देखो, ठीक है, अभी मैं इसको सेव करता हूँ, रन करता हूँ, अभी देखते हैं आउटपुट क्या आएगा। ये डिलीट कर देता हूँ, फिर से रन करते हैं, अभी क्लियर है टर्मिनल, अभी देखो क्या आएगा मैसेज, वार्निंग द एक्सप्रेशन इज अनयूज्ड, नंबर इज ग्रेटर देन 10, ठीक है, और हेलो जेरी प्रिंट हो गया। मतलब उसने क्या किया, ये सबसे पहले तो ये वाला जो मैसेज था वो चला गया, ठीक है, पर उसके बाद ये भी मैसेज है तो ये भी चला गया, फिर यहाँ पे उसने दे दिया एक वार्निंग कि ये मैसेज यूजलेस है, मतलब ये प्रिंट ही नहीं होगी, एक ही प्रिंट होगी ना, ओवरलैप हो गया। अगर मैं इसको वैल करता हूँ तो देखते हैं क्या आंसर आएगा, है ना। वैल क्यों करते हैं अपन, कांस्टेंट वेरिएबल बनाया हमने उसको, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या है, द एक्सप्रेशन इज अनयूज्ड फिर से, है ना, तो ये कांस्टेंट रहेगा, ये चेंज ही नहीं हो सकता है अभी। तो हमने देख लिया वैल वैल, और हमने ये भी देख लिया कि ब्लॉक में स्टेटमेंट अगर एक है तो ब्रैकेट्स की कोई कंपलसरी नहीं होती है, देना है तो दो, मत देना है तो मत दो, और जब मल्टीपल स्टेटमेंट होते हैं तो देना कंपलसरी होगा, ठीक है। तो ये हो गया अपना इफ लूप पूरा। अभी एक और है, एक और चीज़ थी इफ लूप में, वो है नेस्टेड इफ। नेस्टेड इफ मतलब क्या, इफ के अंदर इफ, इफ के अंदर इफ, ठीक है, इफ एल्स के अंदर इफ एल्स, एल्स के अंदर इफ एल्स, ठीक है। तो ये हो गया ब्लॉक इफ एल्स, ठीक है। तो ये इसको इफ एल्स लैडर भी बोलते हैं। तो देखो इफ एल्स लैडर मतलब क्या, मैं एक और वेरिएबल ले लेता हूँ वैर नंबर टू, ठीक है, ये वन कर देता हूँ, नंबर टू इक्वल टू 200 कर देते हैं, और ये हो गया फिर नंबर वन। अभी यहाँ पे मुझे इफ नंबर वन ये मैं रिमूव कर देता हूँ, ठीक है, अभी मुझे इफ नंबर वन इज ग्रेटर देन 10 तो मुझे फिर से चेक करना है कि नंबर टू ग्रेटर देन 20 है कि नहीं है, ठीक है। तो ये मैंने इफ के अंदर इफ लगा दिया, और इस इफ के लिए हमें एल्स भी देना पड़ेगा, है ना, नहीं तो भूल जाएंगे, तो पहले ही दे देते हैं। अभी मैं ये इफ हो गया नंबर ग्रेटर देन 2, तो मैं मैसेज कर दूंगा नंबर वन एंड नंबर टू आर ग्रेटर देन 10 एंड 20 रिस्पेक्टिवली, ठीक है, यहाँ पे एक स्पेस हटा देते, एल्स, एल्स क्या होगा मैसेज, है ना, एल्स ऊपर के होगा बस, निगेटिव हो जाएगा, मतलब लेस देन, कॉपी पेस्ट, दो होगा। देखो नंबर वन, अभी इसमें क्या होगा, नंबर वन तो 10 से बड़ा है, इज ग्रेटर देन 10, बट, ठीक है, बट नंबर टू ये हट जाएगा, इज लेस देन 20, ठीक है, मतलब वो नंबर वन 10 से तो बड़ा है पर नंबर टू 20 से छोटा है। ये हो गया इफ एल्स। अभी नीचे आते हैं, नीचे वाले इफ एल्स में यहाँ पे मैसेज दे देंगे कि नंबर वन इज लेस देन 10, ठीक है, और ये इसमें से कोई भी एक वैल्यू जाएगी रिजल्ट में और फिर रिजल्ट प्रिंट होगा।
तो इसको अगर ऐसे ही देखे विदाउट रनिंग तो क्या आंसर आना चाहिए, अपन चेक करते हैं। सबसे पहले लॉजिक लगाते हैं, तो सबसे पहले चेक हो रहा है नंबर 1 ग्रेटर दैन 10, हाँ 100 इज ग्रेटर दैन 10। फिर यहाँ पे आ गए अपन, फिर वो चेक कर रहा है सेकेंड नंबर, सो नंबर 2 इज ग्रेटर दैन 20, हाँ 200 इज ग्रेटर दैन 20। तो ये वाला लूप रन होना चाहिए और फिर बंद खत्म। तो देखते हैं कि ये वाला इफ एल्स लूप रन होता है कि नहीं। तो आंसर क्या आता है देखो, नंबर 1 एंड 2 आर ग्रेटर दैन 10 एंड 20 रिस्पेक्टिवली, देखा है ना, तो ये सही से आ गया है। तो इफ एल्स इसको इसी तरह से अपन लैडर में भी यूज कर सकते हैं, इसको नेस्टेड इफ बोलते हैं। ठीक है, अभी अपन सेकंड देखते हैं, फिर से चलते हैं। सेकंड हमारा था व्हेन, व्हेन लूप। ठीक है, तो व्हेन व्हेन को हिंदी में कैसे बोल सकते हैं, है ना, व्हेन को बोल सकते हैं जब या फिर कब, जो भी बोलना है। तो मैं तो यहाँ पे बोलूँगा कि जब, ठीक है, तो जब थोड़ा सा रिलेटेबल होगा यहाँ पे। तो व्हेन लूप का सिंटैक्स होगा अपना व्हेन, फिर यहाँ पे कुछ पास करनी होगी वैल्यू, ठीक है, यहाँ पे कंडीशंस नहीं होगी, यहाँ पे होगी वैल्यू पास, ठीक है, पास पास व्हेन, ठीक है, और फिर वही सपना ब्लॉक बनाओ, ठीक है, और हर एक व्हेन में एक एल्स देना बहुत बढ़िया होगा, ठीक है, ये कंपलसरी तो नहीं है पर ये अच्छी कोडिंग आती है ऐसा माना जाएगा उसको, तो एल्स होगा। और एल्स लिखने के लिए हमें इसको ये वाला एरो देना है, ठीक है, माइनस और ग्रेटर देन, ठीक है, और इसके बाद जो भी वैल्यू देनी है वो आप दे सकते हो यहाँ पे। ये इसको यूज़ कैसे करना है अपन देखते हैं कोडिंग में, पर उसके पहले मैं आपको रीड वैल्यू यूजर से लेना कैसे होती है वो बताता हूँ, ठीक है। तो इसमें अपन वापस आते हैं विजुअल स्टूडियो में, ये सब मैं रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। अभी मैंने यहाँ पे लिख दिया प्रिंट एलेंथ एंटर टेक्स्ट एंटर योर नेम, ओके ये लिख दिया मैंने, और अभी मुझे यूजर से इनपुट लेना है, तो मैं उस इनपुट को कहीं तो स्टोर करूंगा ना, तो वैल ले लिया मैंने नेम इक्वल टू, अभी यहाँ पे मैं दूंगा रीड एल कैपिटल है, ठीक है, एल कैपिटल होगा रीड लाइन, ठीक है। अभी ये रीड लाइन यूजर से इनपुट लेगा, उसके बाद ही आगे चलेगा, इनपुट लेने के बाद वो नेम में स्टोर करेगा। अभी मुझे उसको ग्रीट करना है, ठीक है, ग्रीट मतलब हेलो हाय बोलना, तो मुझे करना है प्रिंट एलेन, ये मैंने कर दिया हेलो। अभी वेरिएबल को कैसे करते थे अभी तक, अपन डायरेक्ट लिख दिए नेम, है ना, पर इसमें ऐसा नहीं चलेगा क्योंकि स्ट्रिंग भी अटैच है, तो इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, स्पेस देके M% लगाओ और नेम। M% क्या होता है, एक एड्रेस नोट कर डिनोट करता है, मतलब वो कोटलिन को बताएगा M% का मतलब है एड्रेस, भाई तू नेम का जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू देनी है ना कि M% नेम, ठीक है। तो इसी तरह वो रन होगा, अभी देखते हैं इसको रन कोड करते हैं, तो नीचे देखते हो ऊपर कर देता हूँ, ये देखो एंटर योर नेम आ गया, ठीक है, तो इस नेम को मैं दे देता हूँ जेरी, हेलो जेरी आ गया। तो व्हेन लूप के लिए मुझे चाहिए दो वेरिएबल, ठीक है, तो मैं दो वेरिएबल ले लेता हूँ ए और बी, तो ए में मैं स्टोर कर दूंगा 12 वैल्यू और दूसरे बी में चलो कुछ भी कर दो 4, ठीक है, ये मैंने दो नंबर से स्टोर कर दिए। अभी मुझे पूछना है यूज़र को कि मैं इन दोनों नंबर के साथ क्या करूँ, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन। तो पूछने के लिए सबसे पहले प्रिंट एलन देना चाहिए, यूज़र को समझ में तो आए कि क्या करना है, एंटर ऑपरेटर, ठीक है, कौन से ऑपरेटर है भाई हमारे पास, प्लस है माइनस है मल्टीप्लिकेशन है और डिवीजन, ठीक है, इन चारों में से कोई भी एक हमें दे चाहिए। तो मैं यहाँ पे वेरिएबल ऑपरेटर के लिए ओपी एक वेरिएबल बना दूंगा जिसमें मैं रीड लाइन करके यूजर से ऑपरेटर पूछूंगा और वो उस ओपी में स्टोर हो जाएगा। अभी मैं इस ओपी के साथ क्या करूँगा, है ना, तो ओपी के साथ मुझे करना है व्हेन ओपी, ठीक है, ब्रैकेट स्टार्ट। अभी यहाँ पे देखो ध्यान से इसका सिंटैक्स देखो, ठीक है, इसको अगर मैं ऐसे अगर प्लस आया,
ठीक है, इसको डबल कोट में लिखना है। प्लस आया तो क्या करना है, प्लस आया तो करना है ए प्लस बी। ठीक है, अगर माइनस आया तो माइनस आने के बाद क्या करना है, ए माइनस बी। तो सिमिलरली अगर मल्टीप्लिकेशन आया तो मल्टीप्लिकेशन के साथ करना है ए स्टार बी, और आखिरी होगा अपना डिवीजन, तो डिवीजन में करना है ए डिवाइडेड बाय बी। ठीक है, तो ये सब डिपेंड रहेगा, ये कौन सा वर्क होगा स्टेटमेंट, ये डिपेंड होगा यूज़र के रीड लाइन पे, जो भी यूज़र देगा। तो यहाँ पे हमें देखो, मैंने पहले बताया था कि वैन है, तो एल्स यूज़ करना थोड़ा सा अच्छी बात होगी। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एल्स। ठीक है, एल्स तो यहाँ पे मैं कर दूंगा कि एम्परसेंट ओपी। ठीक है, मतलब वेरिएबल, ठीक है, ना कि वो एक वर्ड, वर्ड तो वर्ड नहीं है, वो एक वेरिएबल है। तो ये ऑपरेटर इज नॉट वैलिड, मतलब ये है नहीं हमारे इसमें, हमारे इसमें बस चार है, हमने उसको बताया भी है कि इन चारों में से ही चाहिए भाई, उसके अलावा हम लेंगे ही नहीं, क्योंकि कोड लिखा ही नहीं है, है ना। हम तो एल्स इसीलिए काम आता है वैन में, और वैन देखो एल्स वैन के अंदर होता है एल्स, इफ इफ एल्स में कैसा होता है, एल्स इफ के बाहर होता है, पर वैन में अंदर हो। अभी देखो मैंने इफ में बताया था कि हम कॉटलिन में लूप्स को ऐसे रन नहीं करते, हम इसको एक वेरिएबल में स्टोर करते हैं। तो यहाँ पे मैं वेरिएबल लेता हूँ रिजल्ट, और उसको मैंने स्टोर कर दिया। अभी इस रिजल्ट को मुझे प्रिंट भी तो करना है ना, तो जो भी इसका आउटपुट रहेगा तो मैं प्रिंट करके रिजल्ट ले लूँगा। ठीक है, तो अभी ये अपना परफेक्ट कोड बन चुका है वैन लूप के लिए, इसको मैं सेव कर दिया और रन कोड, रन कोड करके देखते हैं क्या आएगा। पहले तो इसने पूछना चाहिए राइट, एंटर ओके, तो इसने पूछा एंटर ऑपरेटर्स, तो मैं दूंगा चलो प्लस दे दिया एंटर। तो देखो 12 + 4 क्या होता है 16, हाँ आंसर सही आ गया। ठीक है, मैं इसको फिर से रन करता हूँ, मुझे देखना है डिवीजन करके 3 आंसर आता है क्या, ये आ गया 3 बराबर। अभी मैं ना अलग ही सिंबल दे दूंगा चारों से हटके, तो मुझे चेक करना है कि एल्स काम कर रहा है कि नहीं। तो चलो इसमें क्या दे दूँ, मैं एक लेटर ही दे देता हूँ एम। ठीक है, तो ये देखो एम ऑपरेटर इज नॉट वैलिड। ठीक है, तो बराबर एक यूजर फ्रेंडली मैसेज भी देता है, तो ये इसलिए बोला मैं एल्स ना, अच्छी कोडिंग अच्छी कोडिंग आती है बंदे को, ऐसे जाना जाता है। ठीक है, तो ये हो गया अपना व्हेन लूप। अभी अपन देख रहे हैं कि व्हाइल लूप। ठीक है, तो व्हाइल लूप में हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, इसका सिंटैक्स क्या है सबसे पहले। तो व्हाइल लूप स्टार्ट होगा अपना से कीवर्ड व्हाइल, फिर एक कंडीशन आएगी इसमें, इसमें कंडीशन होती है फिर से। ठीक है, और फिर अपना ब्लॉक स्टार्ट होगा। व्हाइल में कुछ एल्स वील्स नहीं है, इसमें सिर्फ व्हाइल है बस खत्म। व्हाइल को हिंदी में ट्रांसलेट किए तो क्या आएगा, जब तक, है ना। व्हाइल मतलब जब तक ये कंडीशन चलती रहेगी तब तक ये वाला ब्लॉक चलता रहेगा, जैसे ही कंडीशन फॉल्स हो गई या फिर ये ट्रू नहीं है, मतलब फुलफिल नहीं हो रही है, या फिर ये चल नहीं रही है कंडीशन, तो इस ब्लॉक से हम बाहर आ जाएंगे, इसे कहते हैं व्हाइल लूप। ठीक है, तो ये अगर यहाँ पे मैं पता है व्हाइल में बस यहाँ पे अगर ट्रू भी कर दिया ना, बस ट्रू लिख दिया देखो ऐसे, ठीक है, व्हाइल और ब्रैकेट में अंदर ट्रू, तो ये इनफाइनाइट लूप के लिए चलेगा, क्योंकि ट्रू कंडीशन को फॉल्स कैसे करोगे, ट्रू तो ट्रू ही होता है ना, उसको फॉल्स करने के लिए हमें यहाँ पे वेरिएबल यूज़ करना पड़ेगा, जो जो कि वेरिएबल की वैल्यू चेंज होती रहेगी। ठीक है, तो अपन दोनों देखते हैं इनफाइनाइट लूप और ये क्या है, तो इसको अपन विजुअल स्टूडियो में देखते हैं। विजुअल स्टूडियो में मैं सबसे पहले सारे लाइंस हटा देता हूँ, शुरुआत करते हैं। ठीक है, बढ़िया। अभी इस फंक्शन में हमें यूज़ करना व्हाइल, तो व्हाइल के लिए मुझे चलो चाहिए सबसे पहले तो एक वेरिएबल, तो वेरिएबल ए इक्वल टू चलो 5 कर दिया मैंने, नहीं 1 कर देते। ठीक है, अपन एडिशन से, तो ए इक्वल टू 1 हो गया। अभी मैं मुझे व्हाइल यूज़ करना है, तो व्हाइल ये देखो यहाँ पे मैं कर दूंगा ए इज लेस देन 5। ठीक है, मतलब जब तक ए की वैल्यू 5 से छोटी है, 5 से कम है, तब तक ये ब्लॉक चलना चाहिए।
तो ब्लॉक में क्या लिखूंगा मैं, ब्लॉक में चलो लिख देता हूँ प्रिंट एलन, और यहाँ पे मैं चलो वेरिएबल की वैल्यू अपन प्रिंट करवा देते हैं, या ऐसे लिखो सॉरी डॉलर डॉलर ए लिख के ऐसे लिखो, या फिर आप सीधे ए लिख सकते हो, ठीक है अपन ए लिखते हैं सिंपल। और यहाँ पे मैं कर दूंगा प्लस प्लस, मतलब इंक्रीमेंट होते रहेगा, ठीक है। तो जैसे ही पहले क्या रहेगा, ए की वैल्यू 1 है, वो यहाँ पे आ गई, 1 इज़ लेस देन 5, हाँ 1 इज़ लेस देन 5। फिर तो प्रिंट एलन करो, चलो ए की वैल्यू प्रिंट करो, मतलब 1 1 प्रिंट हो गया। उसके बाद इंक्रीमेंट करो, तो 1 को इंक्रीमेंट क्या होगा 2, फिर वो चेक करेगा वापस, 2 इज़ लेस देन 5, हाँ 2 भी लेस देन 5 है, तो प्रिंट करो 2, ठीक है ए की वैल्यू 2 हो गई है, फिर से वो इंक्रीमेंट करेगा। ऐसे 3 हो गई अभी, तो 3 इज़ लेस देन 5, हाँ ट्रू है फिर से। तो ऐसे चलते चलते जब ये 4 आ गया, ठीक है तो 4 इज़ लेस देन 5, फिर ये चलेगा, फिर ये 5 होगा। अभी 5 इज़ लेस देन 5 नहीं होता है ना, 5 इक्वल टू 5 होता है। तो ये हो गया फॉल्स, ये कंडीशन हो गई फॉल्स। और उसके बाद यहाँ पे आ जाएंगे अपन बाहर, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ प्रिंट एलन कंप्लीटेड, ठीक है। तो यहाँ पे अपना टास्क कंप्लीट हो जाएगा। तो हमें वैल्यू क्या क्या दिखनी चाहिए प्रिंट करने के बाद, ये वाले प्रिंट करने, तो 1 2 3 और 4 आनी चाहिए, 5 तो होगी नहीं, 5 जैसी होती है तो वो फॉल्स होके बाहर आ जाता है, तो 1 2 3 4 और कंप्लीटेड आनी चाहिए। तो इसको, अरे मैंने सेव नहीं किया, ये मैं फिर से रन करता हूँ, डिलीट करता हूँ, सेव कर दिया रन कोड। अभी देखते हैं क्या क्या वैल्यू आएगी, देखो 1 2 3 4 और कंप्लीटेड। इसका एक दूसरा मेथड भी है व्हाइल लूप का, एक अलग सिंटैक्स बोल सकते हो, जो कि होता है डू व्हाइल, ठीक है। तो डू व्हाइल यूज़ करके देखते हैं कैसे लिखना होता है डू व्हाइल। तो ए इक्वल टू 1 ही रखेंगे, ठीक है। तो डू सबसे पहले आएगा, डू में हम ब्लॉक लगाना पड़ेगा, और व्हाइल जो होगा वो डू के बाहर होगा, ठीक है, और वो उसका एक ब्लॉक रहेगा, ठीक है, इफ एल्स की तरह ही है। अभी डू में हमें उससे क्या करवाना है, ठीक है, तो मैं चलो करवाता हूँ ए के साथ। चलो यहाँ पे एक और वेरिएबल ले लेते हैं, वेयर बी इक्वल टू 10, ठीक है, ये हो गया एक वेरिएबल। और डू में मैं करूँगा चलो वेयर सी इक्वल टू ए प्लस बी कर दिया, ठीक है, ये हो गया। अभी प्रिंट सी भी कर देते हैं, है ना, क्योंकि यूज़ किया है तो प्रिंट तो करते ही है, तो प्रिंट एलन हो गया सी। कब तक करना है ये डू जो है वो कब तक चलना चलाना है, तो वो हमें लिखना है व्हाइल में, ठीक है। तो व्हाइल में लिखना है हमें वो कंडीशन, तो ये ब्रैकेट नहीं रहेगी यहाँ पे सिंपल ये वाली कंडीशन वाली ब्रैकेट रहेगी। तो जब तक ए इज लेस देन चलो 5 कर देता हूँ। तो देखो अभी इस कंडीशन में ना ए इज लेस देन हमेशा ही ट्रू है, ठीक है, तो जो मैंने बोला था ना इन्फाइनेट लूप, तो ये चलती रहेगा गाइस। तो देखो मैं सेव कर दिया रन कोड के, ये चलती रहा है, देखो चल ही रहा है, चल ही रहा है, चल ही रहा है, रुक ही नहीं रहा, रुक ही नहीं रहा। इसको रोकने के लिए कंट्रोल सी दबाना पड़ेगा, तब जाके रुकेगा, इन्फिनेट लूप आते गया। क्यों आया देखते हैं अपन। तो ए इक्वल टू 1 था, ठीक है, और बी इक्वल टू 10 था। तो क्या करना है हमें, सी की वैल्यू प्रिंट करनी है, जो कि होगी ए प्लस बी। ए प्लस बी क्या होगा 11, तो 11 अपन देख रहे थे, 11 11 11 प्रिंट हो रहा था। तो ये कब तक करना है, जब तक ए की वैल्यू 5 से कम है। और यहाँ पे देखो ए की वैल्यू तो हमेशा 1 है, वो इंक्रीमेंट या फिर डिक्रीमेंट हो ही नहीं रही है ना, तो उसके लिए अपन यहाँ पे देते हैं ए, अभी वो इंक्रीज हो रही है, ठीक है। तो अभी देखते हैं, इसको सेव कर दिया और इसको मैंने रन कर दिया। अभी देखते हैं कि कितने बार 11 आता है, इन्फिनाइट में आता है या फिर कुछ लिमिटेड। ये देखो आ गया 11, आ गया 12, आ गया 13, आ गया 14। अभी ये क्यों आया, क्योंकि गाइस यहाँ पे ए की वैल्यू ना इंक्रीज होती रही, ये हमेशा 1 रही नहीं, बी की वैल्यू तो सेम रही 10, पर ए की वैल्यू इंक्रीज होती रही 1 1 1 करके। तो 1 2 3 4 4 बार चल गया ये, और उसके बाद बाहर आए। तो डू वाइल का सिंटेक्स ये होगा, ठीक है, और वाइल का पहले जैसे बताया था सेम। तो ये कोडिंग के हिसाब से रहेगा सिचुएशन, कि हमें कौन सा सिंटेक्स कब यूज़ करना है, कैसे यूज़ करना, ठीक है। तो इसके बाद देखते हैं अपन क्या कौन सा लूप है हमारे पास। तो हमारे पास आखिरी लूप होगा फॉर लूप, ठीक है। तो फॉर फॉर को हिंदी में करो, वही हो गया जब तक, है ना, फॉर वही हो गया, वाइल की तरह ही हुआ जब तक।
ये भी एक लूप बनाया ही है, मतलब या तो वाइल यूज करो या फिर फॉर यूज करो, ठीक है? तो फॉर में भी अपन सेम चीजें कर सकते हैं, यहाँ पे होगी कंडीशन, ठीक है, वाइल की तरह, और इसका हो गया ब्लॉक। इसमें कहीं डू फॉर नहीं है, ठीक है? तो डू वाइल होता है बस, डू फॉर नहीं होता है, फॉर में सिर्फ फॉर है, ठीक है? तो ये हो गया अपना, यहाँ पे ब्लॉक हो गया, ये ब्लॉक, और ये होगी कंडीशन, ठीक है? तो इसको, इसका यूज देखते हैं अपने कोड में। मैं ये सारे लाइंस हटा देता हूँ फिर से, ठीक है? अभी मैं क्या करता हूँ, मैं एक फॉर लूप सीधे ले लेता हूँ, फॉर लूप में एक आइटम ले लेता हूँ आए, ठीक है, कोई भी, हाँ ओके, आए इन, ठीक है, इन इन मतलब किसी में, अभी किस में क्या, तो मैं दे दूंगा 1.5, ठीक है? तो 1.5 का मतलब क्या है देखते हो। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं प्रिंट करवा देता हूँ आई की वैल्यू, ठीक है? तो देखो प्रिंट आई इन 1.5, तो 1.5 मतलब पहले देखते हैं, 1.5 मतलब 1 से लेके 5 तक, मतलब उसमें सारे नंबर आ गए, 1, 2, 3, 4, 5। या तो आप वैसे लिखो या फिर आप 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे लिखो, एक ही बात है। तो मैं एक्चुअली शॉर्टकट प्रेफर करूँगा, ये देखो 1.5, और ठीक है, उसके बाद इन, इन मतलब अगर, जब तक, सॉरी अगर नहीं रहेगा यहाँ पे, जब तक रहेगा फॉर, जब तक आई की वैल्यू 1 to 5 के बीच में है, ठीक है, 1 से 5 के बीच में है, तो प्रिंट आई होना चाहिए, ठीक है? तो पर आई की वैल्यू किधर है ना, तो आई की वैल्यू तो भाई बाय डिफॉल्ट देखते हैं क्या आएगी, बाय डिफॉल्ट तो 0 होनी चाहिए। इसको रन करके देखते हैं, तो देखो 1, 2, 3, 4, 5 प्रिंट हो गया यहाँ पे नीचे, ये है आई की वैल्यू। ब्रेक और कंटिन्यू को समझने के लिए अपन एग्जांपल लेते हैं। तो इस एग्जांपल के लिए हमें दो वेरिएबल चाहिए, हम वेरिएबल ए इक्वल टू 10 ले लेंगे एंड वेरिएबल बी इक्वल टू 20, ठीक है? अभी मैं यहाँ पे दो लूप्स का यूज़ करूँगा, एक हो गया अपना फॉर लूप जो एक कंडीशन सर्च करेगा ए इन 1 to 10, ठीक है, ये हो गया एक कंडीशन, और दूसरा लूप जो होगा वो फॉर के अंदर रहेगा जो है अपना इफ बेसिक। तो इस इफ को मैं एक कंडीशन दे दूंगा, बी इज ग्रेटर देन 10, ठीक है? और इस इफ के साथ एल्स देना कंपलसरी है, तो वो दे दिया। अभी इफ के अंदर हमें जो एक स्टेटमेंट देनी है, ठीक है, तो इस स्टेटमेंट को हमें यूज करना है ब्रेक, और एल्स में होगा कंटिन्यू, पर हमें पता कैसे चलेगा कि ब्रेक हो रहा है कि कंटिन्यू? तो मैं यहाँ पे एक मैसेज दे देता हूँ, प्रिंट एलन ब्रेक इज एग्जीक्यूटेड, और एल्स के साथ मैं एक और मैसेज दे देता हूँ, कंटिन्यू इज एग्जीक्यूटेड, ठीक है? तो जो भी कंटिन्यू होगा वो, जो भी रन होगा वो समझ जाएगी हमें। और इस फॉर लूप में हम इस फॉर लूप को हम किसी भी वेरिएबल में स्टोर नहीं कर सकते, पर इस इफ लूप को अपन कर सकते हैं, पर इसकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमें डायरेक्टली वैल्यू मिल जाएगी यहाँ पे ब्रेक और कंटिन्यू के फॉर्म में। तो इसको सेव करते हैं, रन करते हैं, देखते हैं ब्रेक हो रहा है या कंटिन्यू। मेरे ख्याल से ब्रेक होना चाहिए, तो देखो यहाँ पे मैसेज आ गया, ब्रेक इज एग्जीक्यूटेड, ठीक है? तो अपन देखते हैं कि ब्रेक कैसे एग्जीक्यूट होगा। सबसे पहले अपन देखेंगे कि ए इक्वल टू 10 है, बी इक्वल टू 20, तो पहली कंडीशन क्या है, ए इन 1 to 10, तो 1 to 10 के भी अंदर मतलब 1 से लेके 10 के बीच में, 1 से लेके 10 के बीच में 10 वैल्यू आ रही है, ठीक है? तो है उसमें इंक्लूड, तो वो एग्जीक्यूट हो गई, ट्रू हो गया। अभी नीचे नेक्स्ट लाइन, नेक्स्ट लाइन है इफ, इफ अगर अगर बी 10 से बड़ा है तो ही होना चाहिए, तो बी की वैल्यू 20 है, तो 20 इज ग्रेटर देन 10, हाँ ट्रू। तो नेक्स्ट लाइन, तो नेक्स्ट लाइन में आएगा सबसे पहले ब्रेक इज एग्जीक्यूटेड, ये प्रिंट हो गया, उसके बाद हो जाएगा ब्रेक, ठीक है? अगर मैं इस ब्रेक को पहले ही लिख दूँ, ठीक है, यहाँ पे, तो क्या होगा कि पहले ब्रेक हो जाएगा और प्रिंट होगा ही नहीं, फिर ब्रेक होने के बाद मतलब ये फॉर लूप ही खत्म हो गया, है ना? ब्रेक मतलब इस फॉर लूप के बाहर ही चला जाएगा। तो देखते हैं अपन, तो प्रिंट होना नहीं चाहिए, ठीक है?
पिछले बार ब्रेक इज एग्जीक्यूटेड प्रिंट हुआ था, इस बार ब्रेक इज एग्जीक्यूटेड प्रिंट नहीं होना चाहिए। तो देखो यहाँ पे नहीं हुआ है, और यहाँ पे एक वार्निंग भी आ गई है कि प्रिंट एल एन ब्रेक इज एग्जीक्यूटेड अनरीचेबल है, मतलब वहाँ पे पहुँच ही नहीं पाया कोड, वैसे उसने कोड बंद कर दिया। तो ऐसे अपन यूज कर सकते हैं कंटिन्यू और ब्रेक। इसी के साथ अपना फ्लो कंट्रोल कंप्लीट होता है। ठीक है, तो ये एक टॉपिक कंप्लीट हो गया है। अभी बस हमारे 2 स्टेप्स बाकी है पूरा कॉटलाइन सीखने के लिए। ठीक है, तो आगे चलते हैं अगले वीडियो में।